चक्कर में कोई नहीं है वसीम कुरैशी की टक्कर में। शहर रशीद पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हमारे आपके सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा। सूरत विधानसभा के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार 159 सूरत ईस्ट से आपके अपने बेटे, आपका अपना दोस्त, आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई मोहतरम जनाब वसीम कुरैशी साहब। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हमारे एसटी एससी दलित भाई, आदिवासी भाई जो भी यहाँ पर आए वो, और यहाँ मौजूद मेरे तमाम दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और मेरी माँ बहन है। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, इलेक्शन का जलसा है। गुजरात सूरत में 1 दिसंबर को चुनाव है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों को टिकट दिया है, इसी तरह पहली मरतबा सूरत ईस्ट से 159 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वसीम कुरैशी साहब को टिकट दिया है। और हमारा निशान है पतन। क्या निशान है? पतन। उत्तराखंड में जो उड़ती है हवा पे, चली चली रे पतंग मेरी, चली रे पतंग। निशान याद रखना है, 1 तारीख को उतर के आना है, पतंग के बटन पे मोहर लगा के वसीम साहब को विधानसभा में भेजना। अब चुनाव आया है, तमाम सियासत पार्टियां आपके बीच में आएगी। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी और काफी चिल्लर भी खड़े हो गए हैं। अब तो काफी पेट का सवाल है भाई, जो मिला आने दे, नहीं तो जाने दे। बहुत से लोग आएंगे आपके बीच में, मगर आप याद करिए हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इन 75 सालों में आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोटों से नवाजा, इख्तदार की कुर्सी पर आपने बिठाया। 30 साल आपने कांग्रेस को दिया, पिछले 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है। 27 साल से भाजपा को हराने की ताकत कांग्रेस में नहीं थी। आपने कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप किसको वोट देते? तो आपने जाकर ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसमें ना ताकत थी, ना हिम्मत थी, ना हौसला था, जिसकी वजह से आज भाजपा वाले इख्तदार की कुर्सी पर आके बैठे। अगर ये उनको हरा दे, इनमें ताकत होगी, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास आपकी खुद की अपनी जमात, अपनी पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और जिसके सदर का नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप छाती ठोक के बोल सकते हो आज हमारे पास हमारी खुद की अपनी पार्टी है, जो हमारे मसले मसाइल के लिए आवाज उठाने में मानती है, हमारा काम करने में मानती है। हजारों किलोमीटर दूर से आपके पास आपके बीच में क्यों है असद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह 2 टर्म के एमएलए रह चुके, 4th टर्म एमपी है। इतना काम किया हैदराबाद में कि अगर चुनाव के वक्त खाली पर्चा भर के घर में बैठ जाए तो भी सामने वाले की जमानत गटर हो जाती है। इतना काम किया अल्लाह के शुक्र से। मगर एक दर्द, एक फिक्र कि नहीं, गुजरात में सूरत की हवाओं में बुला रही है, सूरत की आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, सूरत की आवाम का भी गुजरात की विधानसभा में हिस्सा होना चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए,
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। सूरत की आवाम का भी अधिकार है कि उनके बच्चे को अच्छी तालीम मिले। सूरत की आवाम का भी अधिकार है कि उनको अच्छा रास्ता मिले, अच्छा पानी की फैसिलिटी मिले। ये अरमान, ये इरादा लेकर आपके बीच आ जाए। उनको मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी, उससे ज्यादा मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी को दी। आपके बीच में ताकि आपके अपने में से, आपके अपने भाई को, आपके अपने बेटे को यहां से जिताए, ऐवान असेंबली में भेजे, ताकि आपकी तरफ से कोई लड़ने वाली आवाज हो, लड़ने वाली जुबान। क्योंकि हमेशा देखा ही गया है भाई और दोस्तों बुजुर्ग कि जिसकी जुबान चुकी है, जिसकी तरफ से प्रेजेंटेशन होता है, जिसके अंदर से कोई ताकतवर निकलता है, जो जाकर बयान करता है, जो हक की लड़ाई लड़ता है, उस कम्युनिटी का, उन लोगों का, उन तबकों का भी आगे बढ़ाव होता है। वरना आपकी आवाज पहुंचाने वाला कौन है? वहां इतने साल से जिन्होंने आपको वोट दिया वो तो गूंगे बहरे निकले। इसीलिए बोलते हैं ना, 10 गीदड़ों को जिताने से बेहतर है एक शेर को जिता के भेजो। आपके लिए लड़ेगा, आप बयान नहीं करेगा। मगर यहां फैलाया जा रहा है, अरे आपने इनको वोट दिया भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा तो जीती रही है 27 साल से, तुम में ताकत नहीं है हारेगी। तुमने वोट लिया मुसलमानों का, दलित भाइयों का, अखिलियत का, सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लेते हैं। मगर तू पता ही है ना, आज भी यहां का मुसलमान हमारा दलित भाई पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? क्यों एजुकेशन में बैकवर्ड है? क्यों सोशली बैकवर्ड है? क्यों इकोनॉमिकली पिछड़े है? क्यों बैकवर्ड है? हम तो नहीं देना सत्ता में। तुम लोगों ने कभी दलित भाई को, मुसलमान भाई को आगे आने ही नहीं, क्योंकि तुमने समझ लिया कि ये कहां जाएंगे? ये तो हमको ही वोट देंगे ना। ये कहां भागने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं? इनके पास कोई रास्ता नहीं। इनका काम करो मत करो, या आखिरी में हमारे पास आएंगे, हमको वोट इन्हीं को देना पड़ता है। हमारी मजबूरी थी, हमने वोट दिया। आज वो मजबूरी नहीं रही। आज इन तमाम के पेटों में दर्द शुरू हो गया है। इन तमाम को समझ में आ गया है कि आप मजलिस से क्या दिन उसने भी लाई है। अवाम इनको दुआओं से नवाजेगी, अवाम इनको वोटों से नवाजेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये जीतेंगे। ये हक बयानी करेंगे तो हमारा तो ऐसा ही सब साफ हो जाएगा, हिस्सा कहानी खत्म हो जाएगी। इनके पेटों में दर्द हो गया है, क्योंकि इनको तुम्हारे हक के लिए कभी कुछ करना नहीं। वरना देखो ना हमारे देश के अंदर क्या नहीं हो रहा है। आज भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, मानो एक तरीके से उन्होंने मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। हमारे दलित भाई यहां मौजूद है। एक तरह से सिस्टमेटिक पैटर्न वाइज देखो आप, पहले हमारे हिजाब पे आ गए, हमारे मदरसों पे आ गए, NRC पे आ गए, शरीयत में मुदाखलत की बात आ गई। हर हिस्से किसी ना किसी तरह एक कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को, अखिलियत को हैरान परेशान कर, ये इनका इंटेंशन नियत बन गई। इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम चीजों के ऊपर अगर आपके, हमारी तरफ से किसी ने बेबाकी के साथ आवाज उठाई, हमारी तरफ से लड़े, हर शोबे पे मुकाबला किया भाजपा का, तो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बहरेज का सदस्य ओवैसी। अरे हिजाब पे बोले ओवैसी, CAA NRC पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी की मॉब लिंचिंग पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, मदरसों के ऊपर बोले ओवैसी, हमारे ऊपर अन्याय हो तो न्याय के लिए लड़े ओवैसी, तो फिर आपके वोट का असली हकदार ओवैसी हुआ ना, हुआ ना हकदार ओवैसी। अरे हम तो वो लोग
गए, अगर कोई हमको एक गिलास पानी ऐसा ला के पिला देता है तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको अच्छा रख, तरक्की दे। तो अगर एक इंसान हमारे लिए इतने मुद्दों के ऊपर बेबाकी के साथ लड़ रहा है, हमारे हक इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसके कांधों को मजबूत करें, उनका साथ दें? हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी आवाज के साथ जाए जो हमारे लिए इंसाफ की बात करे, हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाने की बात करा, हमारे साथ खड़े रहे कांधे से कांधा मिलाकर। ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए हमको, नहीं इन सेक्युलर लोगों को जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे पास आते तो है बोल लेने। मगर ये मैं बता रहा हूं आपको, एग्जांपल देना चाहता हूं कि बिल्किस बानू की बात बताऊंगा मैं आपको। भूल जाइए एक मिनट के लिए कि बिल्किस बानू एक मुस्लिम महिला है। याद रखिए बिल्किस बानू एक नारी है, हमारे भारत देश की एक महिला है। 15 अगस्त 2022 के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोलते हैं नारी सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नारी का सम्मान। हमारे देश की नारी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। मगर उसी दिन 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार जो भाजपा की सरकार है वो उस बिल्किस बानू के 11 बलात्कारियों को छोड़ देती। वो बिल्किस बानू जिसकी माँ का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, नन्नी मुन्नी 3 साल की जो उसकी बच्ची थी उसका सर पत्थर से फोड़ के उसका कत्ल कर दिया, जिसको मुंबई की हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी 11 दरिंदों को। उन दरिंदों को गुजरात की सरकार छोड़ देती है और जब वो छूट कर बाहर आते हैं तो उनका फूल हार मिठाई से इस्तकबाल स्वागत किया जाता है, और जो उनकी ताइन में उनके फेवर में बात करता है उसको गुजरात से टिकट दिया जाता है वहां विधानसभा में जाने के लिए, वहां असेंबली में जाने के लिए। अभी क्या नारी सम्मान है? अब इस बात पे भाजपा तो हमको पता है खुली अपनी दुश्मन है ही, मगर अब आपके बीच में और एक भी आ गया जिसको मेरे सदर ने नाम दिया छोटा रिचार्ज। छोटा समझ गए ना, झाड़ू। इनके मंत्री को एक ऐसी तरह पत्रकार ने ट्रक के ऊपर खड़े हो गया, वो सवाल किया साहब बिल्किस बानू के बारे में आपको क्या बोलना है। साफ इनकार कर दिया, बोला नहीं 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 हम इस बारे में बात करने नहीं आए। अरे इस बारे में बात नहीं करने आए, नारी सम्मान पे बात नहीं करोगे? क्यों? बिल्किस बानू मुसलमान है, इसलिए आपको आपके वोटों की फिक्र है कि हमारा बड़ा वोट चला जाएगा, मेजोरिटेरियन वोट चला जाएगा, ये फिक्र है आपको? तो फिर किस मुंह से आप आते हो हमारे बीच में हमारा वोट मांगने? क्या अधिकार है, क्या क्या है आपका हमारे वोटों के ऊपर? तो हम वोट उसी को देंगे जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हमारे अधिकार के लिए फाइट करेगा, वोट अब उसको दिया जाए। मुझे यकीन है कि सूरत की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी, बराबर इनको जवाब मिलना चाहिए। और समझ लो अगर भाजपा को कोई हरा सकता है ना सूरत से, कोई और नहीं सिर्फ ये वसीम कुरैशी हरा सकता है सूरत से। सिर्फ पचनी से इत्तेहाद मुस्लिम ही हरा सकती है सूरत से। अगर आप चाहते हो कि हम भाजपा को हराए, आइए हमारा साथ दीजिए, साथ दीजिए बारिश का सत्र दिन ओवैसी साहब, क्योंकि ये हक बयानी की आवाज, हक की लड़ाई है। आपके जितने मसले मसाइल है उससे सबसे वाकिफ है वसीम कुरैशी साहब। अभी उन्होंने बताया कि एजुकेशन की फील्ड में क्या काम करना चाहते हैं। उनका इरादा, उनका इंटेंशन ये है कि वो क्लासेस चालू करें, मुफ्त के अंदर 10वीं 12वीं के बच्चों को कोचिंग दे एक्स्ट्रा, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। और जो उन्होंने कहा 0% लेके आएंगे, इंशाल्लाह कोचिंग की क्लासेस चालू करेंगे, रिजल्ट आएगा, बहुत भारी रिजल्ट आएगा। यहां से भी 100% लोग हमारे जीत के जाएंगे, कामयाब होंगे हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर। और वसीम साहब ने ये नहीं कहा सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, तमाम के लिए वो कोचिंग करने की बात कर रहे हैं। अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते। जिस तरह संविधान ने भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, इसी तरह हमको भी अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। मगर इनके पेटों में दर्द ज्यादा क्यों आ रहे? अरे क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपने सूरत की आवाम के साथ, गुजरात की आवाम के साथ इंसाफ किया होता तो आज हमको आना नहीं पड़ता। मगर अब आए हैं, अब आ ही गए हैं तो कुछ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हाजिर अल्लाह सुभान व तआला के हाथ में,
लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मजलिस को कामयाब करना है, आप अगर मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, एक इत्तेहाद पैदा कर दिया, एक तरफ से जाकर सबने एक माइंड बना लिया कि हमको मजलिस को कामयाब करना है, तो यकीन मान लो इंशाल्लाह इस मरतबा मजलिस को गुजरात में जीतने से किसी का बाप नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह। आप वोट देखने जाओ ना, जब वोट डालने जाओ तसव्वुर करो अपने दिमाग में, जहन में दो मिनट के लिए, यार मैं वोट डालने जा रहा हूं, मेरा बहुत कीमती वोट है, ये मेरा वोट मुस्तकबिल बदल सकता है, ये वोट आने वाले मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है, ये हमारे को विकास के रास्ते पर लेकर जा सकता है, ये हमको इंसाफ दिला सकता है। किसको दूं मैं वोट उस वक्त? अब इंसाफ सोचो अपने दिमाग में। यार एक शख्स जिसका नाम असदुद्दीन ओवैस, जब मेरी बेटी के हिजाब पे बात आई वो लड़ा था, जब ट्रिपल तलाक पे बात आई वो लड़ा था, जब हमारे मदरसों को टारगेट कर दिया जा रहा था तब वो लड़ा था, जब सी डबल एनआरसी में बात हुई थी तब ये लड़ा था, जब हमारे दलित भाइयों की मॉब लिंचिंग हो रही थी तब ये खड़ा था, उनके साथ कांधे से कांधा मिला कर हमारे हक इंसाफ के लिए खड़ा था। जब आप इस चेहरे को तसव्वुर करोगे ना, तो यकीन मानिए मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि आपके दिल से आवाज आएगी कि नहीं, इस मरतबा मैं वोट असद ओवैसी को ही दूंगा जिसका निशान है पतन और उसके पार्टी के उम्मीदवार को जिता के। यह सोचना पड़ेगा, अगर हर इंसान ने यह सोच लिया और आके आपने वोट डाला, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहां का वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत कम होता है। अरे एक दिन पांच साल में एक दिन आता है ऐसा, यार एक दिन अगर हम ये सोच लेंगे नहीं आज फजर की नमाज पढ़ के चले जाएंगे और अपना वोट डाल के आ जाएंगे, तो सोच लीजिए आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर हम लोग क्या करेंगे, अभी तो फजर है, नाश्ता करेंगे, अब जोहर के बाद जाएंगे, फिर असर का टाइम हो गया, अभी धूप है, गर्मी है, हर चीज बर्दाश्त कर। आज अगर आपने एक दिन बलिदान दे दिया तो आने वाली जिंदगी भर आपका बच्चा आपको बोलेगा अम्मा अब्बा आपने सही काम किया, एक दिन उतर के आया, आपने वोट दिया मजलिस को, तो आज मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, आज मुझे भी पीने के लिए अच्छा साफ पानी मिल रहा है, मेरे पास भी अच्छे रास्ते, मुझे भी पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल, ये करना पड़ेगा आपको। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वक्त हुआ है, मैं चाहता हूं आप सब हमारे सदर असद ओवैसी साहब को सुनना है उनको सुनिए। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा अपन फिर से एक मरतबा कि सबको आजमा लिया एक मरतबा, बीजेपी को आपने आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, आम आदमी को आजमाया, क्योंकि जब 2000 अभी चुनाव आया था कॉरपोरेशन का, हम सूरत से नहीं लड़े, हमारे पास दिन बहुत कम था, मुख्तलिफ जगहों से लड़े, फिर भी 30 दिन की मेहनत में 26 कॉर्पोरेटर हमारे जीत के आ गए, इतना तो गुजरात की आवाम ने उनको मोहब्बत से। मैं चाहूंगा पहली मरतबा आपके पास आए, आते रहेंगे हमेशा, लेकिन जितना मौका आपने इनको दिया, 27 साल दिया, एक 30 साल दिया, एक 5 साल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी देखो, एक मरतबा मौका देके देखो, देखिए क्रिटिसाइज नहीं करता है, खाली एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूं, अभी सेमीफाइनल इंडिया आ रहा, लोगों ने कितने लोगों ने बोल दिया थोड़ा बदलाव होना चाहिए, इसको बदलाव करो, ये बदलाव लाओ, ये बदलाव लाओ, इतने सारे बदलाव की बात कर दी लोगों ने, होना चाहिए, लेकिन 27 साल से जो गुजरात को बर्बाद कर दिया, क्या वो बदलाव आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए ना वहां भी, और बदलाव लाने की ताकत अगर किसी में है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग में है। लिहाजा बस आप सर पर गुजारिश है, 1 तारीख को उतर के आइए, पतंग के बटन पे मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब यहाँ पर आए, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप मजलिस के यहाँ से विधानसभा में भेजोगे जीताकर वसीम कुरैशी साहब, वो करेंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना, पतंग उड़ाएंगे ना, असद ओवैसी की ताकत को मजबूत करेंगे ना, जोर से बोलो दिल्ली तक हवा जाना चाहिए, अपने उनको खाए पिए लोग है ना, हवा जाए ना, ताकत है ना अंदर, चुनाव कर भी सकते हैं हम मुस्लिम, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया।